जब से कोरोना ने विश्व में हाहाकार मचाया है, तब से ही WHO की निष्क्रियता और चीन के प्रति वफादारी सभी के सामने आ गई है। जिन देशों ने भी WHO के कहे को माना है, वे सभी आज कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित हैं, और उन देशों में मृत्यु दर भी अन्य देशों की तुलना में अधिक है। एक बात जो भारत में भी देखने को मिली है, वो है भारत का WHO पर नहीं बल्कि अपने देश की ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद पर अधिक भरोसा करना। भारत में भी कोरोना के 5000 से अधिक पॉजिटिव केस मिले हैं, जो कि वैश्विक स्तर से काफी कम है। यही नहीं, भारत में मृत्यु दर भी अन्य देशों जैसे अमेरिका, इटली, स्पेन और चीन से काफी कम है। यह सरकार के त्वरित निर्णयों और WHO पर भरोसा न करने के कारण ही संभव हो पाया है। भारत ने समय रहते अभी तक जितने फैसले लिए हैं, उसी कारण कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने में सफलता मिली है, और यह केवल अपने देश के विशेषज्ञों खासकर ICMR पर भरोसे के कारण ही संभव हो पाया है। भारत सरकार ने 17 जनवरी को ही दिल्ली, मुंबई और कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चीन और हांगकांग से आने वाले सभी यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की घोषणा कर दी थी। उस समय तक पूरा विश्व कोरोना को एक मजाक के रूप में ले रहा था। यही नहीं, भारत ने 21 जनवरी तक स्क्रीनिंग प्रक्रिया का विस्तार चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोचीन तक कर दिया था। एक तरफ जहां WHO ने 3 फरवरी को यह कहा था कि कोरोना को हराने के लिए चीन से ट्रेवल बैन करने की आवश्यकता नहीं है, वहीं भारत सरकार ने ICMR और अन्य भारतीय एक्सपर्ट्स के सुझाव पर 4 फरवरी को ही चीन से आने वाली सभी फ्लाइट्स को बैन कर दिया था। अगर भारत ने यह नहीं किया होता तो आज भारत की भी हालत अमेरिका और यूरोप जैसी ही होती। यही नहीं, WHO ने कई बार यह रट लगाया है कि मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी भी शोध में नहीं पाया गया है कि मास्क पहनने से कोरोना नहीं होता है। WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार वायरस से संक्रमित लोगों को मास्क पहनने की आवश्यकता होती है, लेकिन सामान्य लोगों को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये दिशा निर्देश WHO के कई अन्य दिशा निर्देशों की तरह अतार्किक और सिर्फ ज्ञान योग्य था। जबकि तथ्य ये है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स इस बीमारी को फैला रहे हैं, इस वजह से मास्क न पहनने की तुलना में इससे पहनना ही ज्यादा अधिक सावधानी भरा है। अब कई शोध प्रकाशनों ने यह स्पष्ट किया है कि संक्रामक रोग को नियंत्रित करने के लिए मास्क वास्तव में एक प्रभावी उपकरण है। साथ ही चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों के डेटा इस दावे को समर्थन देते हैं। जिन देशों ने मास्क को अनिवार्य किया, जैसे चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, और जिन देशों ने सार्वजनिक रूप से मास्क वितरित किए ताकि कोई बिना मास्क के बाहर ना जाए, उनमें संक्रमण की दर बहुत कम है। भारत में भी मास्क पहनने को लेकर लगातार कहा गया, खासकर उन जगहों पर जहां भीड़ ज्यादा होती है। एक तरफ यूरोप में लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते रहे तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने देशवासियों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का मंत्र दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी लव अग्रवाल ने ICMR द्वारा किए गए एक अध्ययन के हवाले से सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को दोहराया था। उन्होंने कहा कि अध्ययन से संकेत मिलता है कि एक COVID-19 रोगी 30 दिनों में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है यदि वो लॉकडाउन का पालन नहीं करता है। ICMR की ही मदद से भारत ने कुछ हद तक COVID-19 को अन्य देशों की तुलना में रोककर रखा है। ICMR के कारण ही भारत COVID-19 वायरस के स्ट्रेन का प्योर सैंपल निकालने में सफल रहा था, और ऐसा करने वाला भारत 5वां देश बना था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ICMR को ही इस महामारी से निपटने के लिए बागडोर दे रखी है। यही नहीं, जो टीम पीएम मोदी को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सुझाव दे रही है, उसमें अन्य संगठनों के साथ ICMR की भूमिका प्रमुख है। पहले भारत में अगर किसी भी प्रकार की महामारी होती थी तो ऐसा लगता था मानो पूरा देश WHO के दिशा निर्देशों पर ही चल रहा है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली है तब से भारत के तेवर में भी भारी बदलाव आया है। यही अब कोरोना के समय में भी देखने को मिल रहा है। यह मोदी सरकार के फैसलों का ही असर था कि WHO को भारत ने पूरी तरह से नजरअंदाज किया, और यही भारत के लिए फायदेमंद साबित भी हो रहा है।